सन 2019 में एक विकसित देश कैसा हो, उसे रेजर्वेशन नहीं, उसको मेरिट और इनोवेशन की जरूरत है। आज अगर भारत में टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब चीजें खत्म करनी है तो हमको एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। हम लोगों को अपने आप में एक सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है प्राइड। जो बेटा या जो बेटी अपने माता पिता के ऊपर गर्व नहीं कर सकता, वो अपने परिवार का कभी भला भी नहीं कर सकता। वो युवा लोग, वो यूथ जो इस भारत के ऊपर गर्व नहीं कर सकते, इसकी धरोहर, इसकी हिस्ट्री को नहीं पहचान सकते, वो देश का भला कैसे करेंगे। और यही ये लोग चाहते हैं, यही इनकी मंशा है कि आप भारत पे गर्व ना कर पाए। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आज ये एक्सपेरिमेंट करिए, अभी यही बैठे बैठे कर लीजिए। आप सोशल मीडिया में जरा भारत की हिस्ट्री की, अपने वेदों की, अपने अपने रिच हेरिटेज की जरा बात को करके देखिए, आप देखिए कितने लोग आपको गाली देने आ जाएंगे। और उनका प्रोफाइल चेक करिए तो आपको समझ में आ जाएगा वो कौन सी मानसिकता के लोग हैं, जो एक भी देश के बारे में अच्छी बात सुनना नहीं चाहते। भारत की इतनी ज्यादा पहचान कुछ सालों में बढ़ी है पूरे विश्व में। आपने परसों पढ़ा बिल गेट्स ने क्या बोला आयुष्मान के बारे में। बिल गेट्स ने बोला आज कि उन्हें दूसरी कंट्रीज को फाइनेंस कर रहे हैं, बिकॉज इन लास्ट फ्यू इयर्स, 3-4 इयर्स आधार है सो सक्सेसफुल। आज भारत की जो डिजिटल आईटी सेक्टर की जो प्रोग्रेस है उसको पूरा वर्ल्ड आज पहचान रहा है। और जो फार्म डिस्ट्रेस मैं घूम रहा हूं पिछले 1-1.5 साल से, हर रोज हम किसानों के साथ, गरीब मजदूरों के साथ, आप देखें अगर ट्विटर और फेसबुक पर मेरा प्रोफाइल, एवरी सिंगल डे आई एम विद समबडी और द अदर। और मैं कोई पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता, मैं इंडिया की बात करता हूं। ये जो फार्मर स्ट्रेस की जो बात करते हैं ना ये लोग, जो एग्रीकल्चरल स्ट्रेस और फार्मर सुसाइड, ये सिर्फ भाषण और माइक और इनके बीच में होता है। आप किसी किसान से जाके मिलिए, उससे पूछिए, वो आपको बताएगा। आज घर बैठे वो मंडी में अपना सामान बेचता है। पता है आपको ये बात, आज वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, छोटे से छोटा स्मॉल टाइम फार्मर। प्रॉब्लम यह है कि 60 साल तक जिन लोगों ने रूल किया वो जमींदारों की पार्टी थी, और आज वो किसान एम्पावर्ड हो रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा कि ये लोग इतने साल राज करते रहे किसान को पावर, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। जो 10% रिजर्वेशन की बात है, यही तो हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां पिछले 50 साल से मांग कर रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी खप गई ये बोलते बोलते। आज अगर वो हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, इसको तो इन लोगों ने भी सपोर्ट किया पॉलिटिक्स में, तो यहां के नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं। ये भारत का फ्यूचर है, आप लोग की इंप्रेशनेबल एज है, आपको पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए। अगर आपका भला हो रहा है किसी चीज से, आपका फायदा हो रहा है, तो उनको क्यों उनके दिमाग में जहर भरा जाए नेगेटिव बातें करते हैं। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने हर चीज को पॉलिटिकल लेवल पे उतारा है। ये लोग होंगे नहीं होंगे, चरण जी कल बीजेपी में भी हो सकते हैं, एसपी में भी हो सकते हैं, ये कहीं और चले जाएंगे। बीजेपी वाले लोग किसी और पार्टी में चले जाएंगे, जिनकी कोई आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल और धर्म नहीं है, उन लोगों की बातों में क्यों आना। आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। क्या मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बिफोर आई फिनिश, मैं दो छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं कुछ दिन पहले आईआईटी पवई के एक प्रोफेसर से मिला था, प्रोफेसर बाबर। जब इंजीनियरिंग का कौन सा एग्जाम होता है, जी, राइट, जी में जो लड़का या लड़की टॉप करता है, टॉप मतलब नंबर 1 रैंक पे जो आता है, वो जिस प्रोफेसर को असाइन होता है ना, उन प्रोफेसर की बात करें। उन्होंने मुझसे ये बोला कि पिछले कई सालों से 20-25 साल से वो वैदिक साइंस, वैदिक मैथमेटिक्स पे वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में हमेशा स्पीच देते आए हैं, और पूरे विश्व में लोग उनको मानते, इतनी इज्जत है उनकी। भारत का जो लड़का, इसका बीजेपी कांग्रेस से क्या लेना देना है, जो लड़का टॉप करता है वो बीजेपी के एहसान से, कांग्रेस के एहसान से तो करता नहीं है। चरण जी की स्टैटिस्टिक्स पढ़ के तो टॉप करता नहीं है, वो तो अपनी मेरिट, अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत से करता है। उसके प्रोफेसर जिनको इतने सालों से पूरी दुनिया में सिर्फ इसी बात की इज्जत मिलती थी कि वो वैदिक साइंस की बात करते थे, उनने मुझसे बोला कि पर विवेक जी, आजकल मैं सोच रहा हूं मैं जाना बंद कर दूं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं अब जब मैं जाके बोलता हूं लोग मुझे संगी बोलते हैं। वेद का संग से क्या लेना देना, ये तो हमारी धरोहर है, ये तो भारत की धरोहर है।
और आप जिस दिन वैदिक नॉलेज को समझ जाएंगे आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। क्या आप लोगों को पता है चार दिन पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल सेंटर है, मेडिकल सेंटर आप जानते हैं, उन्होंने उनका पेपर और एकेडमिक पेपर, साइंस का एकेडमिक पेपर, उन्होंने कहा है विश्व में प्लास्टिक सर्जरी भारत में ही शुरू हुई थी, जिसका कांग्रेसी लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं भाई? आपके नेता जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है तो आज आप क्यों मजाक उड़ाते हैं? जीरो तो बाद में आता है। वर्ल्ड का, आप बताइए, वर्ल्ड का सबसे लंबा, दो देशों को जोड़ने वाला सबसे पहला पुल कहां बना था? जोर से बोलिए, राम सेतु। तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हमें इन बातों पे हंसना चाहिए। और जो लोग इस बात पे आपको हंसते हैं, हीन भावना देना चाहते हैं, उन लोगों का समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। हर चीज का जवाब है एटीट्यूड। यू आर यंग पीपल एंड आई एम टेलिंग यू, हर चीज। जब मैं दिल्ली पढ़ने गया था भोपाल से, मैं भी भोपाल का हूं, मेरे पिताजी वगैरह ने अकोला में बहुत साल रहे, नागपुर से ही मेरे पिताजी ने एमए किया है, मेरे दोनों माँ बाप फ्रीडम फाइटर्स थे, खास कांग्रेसी थे, मेरे पिताजी जेल में रहे 4 साल, मेरी माँ 17 साल की थी, शादी करके 2 महीने हुए थे, उसके बाद सालों जेल में रही, मेरे पिताजी ने हजारों कोड़े खाए, 95 साल की उम्र में मरे, तब उनके पीठ पे निशान पड़े हुए थे, उस परिवार से मैं आता हूं। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा पढ़ने के लिए मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ये अलग बात है, मैंने भी अंग्रेजी में किताब लिखी जो बेस्ट सेलर बन गई। उस किताब से भी आपको बता दूं, 10 साल मैंने रिसर्च किया, जब मैं पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना भी नहीं था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हमने रिसर्च किया, हमें पता चला कि भाई जो भारतीय नेक्सल जो प्रॉब्लम है, हर साल इसमें नए नए लड़के लड़कियां ज्वाइन करते जाते हैं, ये आते कहां से? कोई माँ बाप, आपके माँ बाप जब आप आए थे फर्स्ट ईयर में, क्या आपको ये कह के भेजा था बेटा जिस दिन तुम कॉलेज में जाओगे भारत सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर देना और आजादी की मांग करना, भारत के टुकड़े टुकड़े की मांग करना और जाके नक्सल मूवमेंट ज्वाइन कर लेना, ऐसा किसी ने सिखाया था? हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, गरीब हो, अमीर हो, भारत का कोई परिवार माँ बाप ऐसा नहीं हो सकता जो अपने बच्चों को देश तोड़ने की बात सिखाए। तो ये सीखते कहां से? हमने ये डिस्कवर किया कि ये लोग कॉलेज में आते हैं, वहां पे प्रोफेसर्स, सबने चंद प्रोफेसर्स जो एनजीओज और नेक्सल और देश के दुश्मनों के साथ एक नेक्सस सा बना हुआ है, वो लोग इन यंग लड़के लड़कियों को ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसों में 5 और 10 साल के बच्चों को ब्रेन वॉश करके सुइसाइड बॉम्बर बनाया जाता है, उसी तरह हमारे देश में भी बहुत सारे यंग लड़के लड़कियों को ब्रेन वॉश करके स्टोन पेल्टर, जिहादी और नक्सल बनाया जाता है। जब हमने ये डिस्कवर किया तो सारे वर्ल्ड के लोगों ने कहा बहुत अच्छी आपने ये डिस्कवरी की है, लेकिन चंद पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी थी जो हमारी जान के पीछे पड़ गए, कह रहे झूठ है, झूठ है, झूठ है। आपने खुद देखा होगा अभी कुछ दिन पहले 5 अरबन नक्सल गिरफ्तार हुए देवेंद्र फडणवीस जी के उसमें। यह हमारा कॉन्फिडेंस है जो भारत को बदल रहा है, ये हमारे यंग लोगों की जो थिंकिंग जो चेंज हुई है, जिन लोगों को कभी बोलने का मौका नहीं दिया गया, आज वो सोशल मीडिया पे आके, ये जो लोग अपनी दुकानें ठेकेदार और जमींदारों की तरह से इतने सालों से चला रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं दिल्ली में रहता था, सन 1984 की बात है, मैं जे वॉल्टर थॉमसन वर्ल्ड की नंबर 1 एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मैगी का अकाउंट हैंडल करता था, मैं सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था, जब मैं निकल रहा था अपर रोड पे वहां से, तो वहां पुलिस वालों ने रोक दिया, मैंने क्या हुआ, बोले कि इंदिरा गांधी को गोली मार दी किसी ने। जब मैं वापस, जब तक मैं वापस लौट के जा रहा था, तब हेलमेट पहन के जाते थे, उसे बोला हेलमेट उतारिए, मैंने हेलमेट उतारा, कह रहे तुम कौन हो, कांग्रेसी हो, क्या हो, मैंने वही, मैं तो एडवर्टाइजिंग का आदमी हूं। मेरा जो रूममेट था वो सरदार था चरणजीत, आपको सुनना चाहिए, आपका आंखें गीली हो जाएंगी। शाम को जब मैं अपने रूम में पहुंचा
तो उसकी दाढ़ी जला दी थी, उसकी पगड़ी जला दी थी, उसके बाल काट दिए थे और उसका पांव तोड़ दिया था, और उसे ले जाने के लिए कोई हॉस्पिटल इसलिए नहीं मिल रहा था। माफ कीजिएगा, मुझे भी अगर आप चाहें केस कर सकते हैं, क्योंकि तो कमलनाथ जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जगदीश टाइटलर, ये लोग हजारों कांग्रेसियों की फौज लेके हर सरदार को जला रहे थे और मार रहे थे। आप सब भूल गए होंगे, क्योंकि इंसान के दिमाग की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात भी यही है कि हम लोग चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। थोड़ा न्यूज़पेपर्स उठा के देखिए, थोड़ा रिसर्च करिए, आप लोग नई ग्रीन है, थोड़ा रिसर्च करिए, शाम को जाके अगर देखिए आपको पता चलेगा भारत में सिर्फ खबरें यही आती थी, यहाँ दंगा मारपाट हो गई, यहाँ पे रायट हो गई, यहाँ पे बम फट गए, हर हफ्ते 15 दिन में छोटे मोटे बम कहीं ना कहीं पड़ते रहते थे। ये कश्मीर के बॉर्डर पे नहीं, मुजफ्फरपुर में, मराठवाड़ा में, विजयवाड़ा में, भोपाल में, सागर में, कहीं नहीं, स्टेशनों में यही लोग चिंता करते रहते थे कि सामान भैया किसी का पड़ा है, वो इसी चिंता में लगे रहते थे। आज आप देखिए, आज लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया है। आज जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपकी चिंता ये नहीं होती किसका सामान पड़ा होगा, क्योंकि आपके दिमाग से वो चीज निकल गई। आप 2011-2014 के पहले अगर पेपर्स और टीवी न्यूज देखिए उठा के, अगर हर रात सिर्फ पाकिस्तान 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 की बात होती। आज हमने क्या किया, बिना लड़ाई लड़े उनसे, सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो ठीक है, बिना लड़ाई लड़े हमने उनको स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट कर दिया। आज भारत में पाकिस्तान की कोई बात करते ही नहीं है। आज भारत का दुश्मन कौन है? भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, भारत का दुश्मन है, मैं बताता हूं कौन। एक, नेगेटिव थिंकिंग। नंबर टू, इनएफिशिएंसी। अगर आपको चेंज करना है इस देश को, अगर आपको पावर्टी को खत्म करना है, तो सबसे पहले एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात होनी चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं करते ये नेता? आपने किसी नेता को, आज 50 नेता लोग कलकत्ता में इकट्ठे हुए हैं, आई बेट एनीबडी वर्थ हिज सॉल्ट, कभी कोई ये बोलेगा इस देश को प्रोडक्टिव बनना चाहिए? क्या बिना प्रोडक्टिव बने ये देश कभी पावर्टी से लड़ सकता है? अगर जो ये या नागपुर में जो ये बन रहा है मेट्रो, अगर ये स्पीड से नहीं बनेगा, प्रोडक्टिविटी से नहीं बनेगा, एफिशिएंटली नहीं बनेगा, तो कैसे ये देश गरीबी से लड़ेगा? अभी आप लोग जब जॉब करने जाएंगे, शायद कॉलेज में भी सिखाते ही होंगे, आपके इतने फॉरवर्ड लुकिंग आपके प्रिंसिपल हैं, तो आपको कॉलेज में भी सिखाते ही होंगे हाउ टू बी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंटली। अपनी माँ को देखिए कितना एफिशिएंटली सुबह आपका भी खाना बना देती है, पिताजी का भी कर देती है, घर का सारा काम चला देती है, वो एफिशिएंसी हमें चाहिए। मैं जब दिल्ली से आया था सर 1991-92 में बंबई में, तब मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा था वहां पर, और मेट्रो ट्रेन आई अभी यहाँ बस कितने पंद्रह, आपको बताओ कितने साल लगे सर मेट्रो आने में बंबई में? 20, 21, 22 कितने साल लगे? नहीं, मैं जब आया था उसकी तो आपको तो पता होगा, 22 साल मेट्रो बनने में लगे, और वो भी एक छोटा सा स्ट्रेच है, कोई ऐसा कोई बहुत महान पिलर्स के ऊपर एक ब्रिज खड़ा करके बनाने वाली बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इरादा गलत था, मैं ये नहीं कह रहा, इंटेंशन करेक्ट था, लोगों के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सर्विस देने का इरादा उस वक्त की सरकार चीफ मिनिस्टर्स का करेक्ट था, लेकिन वो बहुत इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी, वहां एफिशिएंसी नाम की चीज नहीं थी और करप्शन बहुत ज्यादा था, इसलिए 22 साल लगे। वो कोई कांग्रेस की है क्या मेट्रो? जब आप बैठते आप कहते कांग्रेस की मेट्रो है क्या? वो तो भारत की मेट्रो है, तो भारत के साथ प्रॉब्लम था कि हमारी इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंस। अभी सन 2014 में एक मेट्रो बननी चालू हुई है जो इतनी लंबी है, जो वहां टाउन से शुरू होती है और कहीं और जाके खत्म होती है 2-3 तरफ। आप कभी बॉम्बे आके उसकी स्पीड देख लीजिए और किसी भी बंबई वाले से पूछ लीजिए, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में होके आया हूं, 20-25 दिन वहीं पे था, इतने सारे ब्रिजेस और सड़कें वहां 25-25 साल से ब्रिज के खंभे खड़े थे, ब्रिज नहीं बनते थे, वो सब 2-2, 3-3 साल में बनके खड़े हो गए। इसका मतलब भारत के लोगों ने अब ये ठान लिया है, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, भारत आप पूरा विश्व घूम लीजिएगा, एक ना एक दिन आपके जीवन में आएगा जब मटेरियलिज्म से ऊपर उठेंगे आप, जब आपको गाड़ियां और चकाचौंध के अलावा भी जिंदगी होती है, जब हम घर में, तभी मैं कहता हूं पास्ता के बाद पकौड़ा ही अच्छा लगता है, कितना भी बाहर खा लीजिए माँ के हाथ की दाल रोटी अच्छी लगती है। भारत देश की लीडरशिप किसके हाथ में होनी चाहिए? मोदी जी से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त व्यक्ति के हाथ में होने चाहिए जो भारतीय है, या उस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो भारतीय बनने का पाखंड करता है? क्या उस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो भारत की मिट्टी से बड़ा हुआ है, जो मसूर की दाल और तुअर की दाल का फर्क जानता हो, जो नागपुर और नालंदा का फर्क जानता हो, या ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जिसके 10 लोग हाथ पकड़ के उसको सिखा रहे हैं? बुरा नहीं मानिएगा लेकिन इस देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है, और जब तक ये दुर्भाग्य रहेगा हम और आप जैसे ईमानदार लोग कितनी भी कर्मठता कितनी भी सिंसेरिटी के साथ काम करें, इस देश का भविष्य अंधकार में रहेगा। और वो दुर्भाग्य ये है कि 70 साल की आजादी के बाद हमारे देश में ऑपोजिशन के नाम पे अगर लीडरशिप कोई है तो इतने दुख की बात है, उसको सारी दुनिया पप्पू बोलती है। तो ये लीडरशिप आप लोगों में से आनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स से डरिए नहीं, पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है, डोंट बिकम पॉलिटिकल बट बी पॉलिटिकली अवेयर। भारत हम सबका है, हम सबका रहे, आने वाले वक्त में कोई कुछ भी कर ले अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। भारत वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी और सबसे पावरफुल देश बनकर उभर रहा है, उभरेगा, और हमारे देश के जितने यंग लड़के लड़कियां हैं मैं आपको गारंटी करता हूं आपको भारत माता की जय बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी पूरा विश्व बोलने वाला है भारत माता की जय। धन्यवाद।